गाइस, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस रेड वाले आइकन पर क्लिक करके, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लेना जिससे कि मैं जब भी वीडियोस डालूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, इतनी मेहनत करने के लिए वीडियो एक लाइक ज़रूर से कर देना। सो हाय गाइस, दिस इज श्याम एंड यू आर वॉचिंग टेक्निकल श्याम यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ बनाने नहीं वाले, आज की इस वीडियो में हम रिपेयर करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे दो होम थिएटर है जिसको हम रिपेयर करने वाले हैं। मैं दोनों को दिखा देता हूँ एक एक करके आपको। तो दोस्तों, सबसे पहला जो होम थिएटर है ये है, जो कि पुराने ज़माने का है, इंटेक्स कंपनी का है। इसके अंदर ब्लूटूथ व्लूटूथ कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। तो इसे चेक करेंगे इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों, प्रॉब्लम मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, जब हम इसे चला करके देखेंगे तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है और इसे कैसे ठीक करना है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे कि आपको ना लगे पूरा। मैं आपको पहले इसे चला करके देखूँगा चल रहा है नहीं चल रहा, फिर उसके बाद इसे रिपेयर करेंगे। और दूसरा होम थिएटर मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस, ये रहा हमारा दूसरा होम थिएटर जो कि नए ज़माने का है। और दोस्तों, यहाँ पे इसका ब्लूटूथ तो नहीं है इसके अंदर, ये मॉड्यूल लगा हुआ है जिसके अंदर हम ऑक्स और मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव लगा सकते हैं। और दोस्तों, इसके बैक में यहाँ पे स्पीकर लगाने के लिए ऑन ऑफ स्विच, एफएम के लिए जो वायर निकलता है वो है। और दोस्तों, यहाँ पे इसका जो बूफर है वो इसके नीचे की साइड में है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे फ्रंट में इसका वॉल्यूम है। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा हल्का है और जो हमारा पहले वाला था वो काफ़ी ज़्यादा भारी था। तो दोस्तों, चलिए दोनों को देख लेते हैं। और दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट वीडियो होने वाला है तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मानता हूँ थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों फुल नॉलेज मिलेगी आपको। पूरा देखते रहना आप, अगर आपके भी होम थिएटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीख जाओगे कि कैसे पता करना है कि उसके अंदर क्या ख़राब है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। और दोस्तों, कोई भी सवाल हो या मेरे से कुछ पूछना हो, या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज सेंड कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको उसका रिप्लाई भी करूँगा, उसको बताऊँगा कैसे सॉल्व करना है। कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, अगर वो थोड़ा लेंथी हुआ तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ आपको रिप्लाई करके उसको सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम इस होम थिएटर को चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये जो होम थिएटर है दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए मैं इस वीडियो में इस होम थिएटर को ओनली चेक करूँगा, और जो इसकी नेक्स्ट पार्ट होगी उसके अंदर दूसरे होम थिएटर को चेक करेंगे। तो ये पार्ट वन है और जो दूसरी वीडियो होगी वो पार्ट टू होगी। तो चलिए जल्दी से इसके अंदर पावर सप्लाई देते हैं और इसे चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इस बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे इसके अंदर पावर सप्लाई आ गई है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। दोस्तों, माना इसके अंदर स्पीकर कनेक्ट नहीं है, लेकिन जो बूफर हमारा कनेक्ट है उसमें भी थोड़ी आवाज़ आती है। यहाँ पे हाथ लगाने पे इसमें थोड़ी हमिंग आ रही है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो यहाँ पे पीछे में इसका बेस का मॉड्यूल है। बेस को मैं इसे तेज करता हूँ तो दोस्तों इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, इसमें कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। वो काम करता हूँ मैं, यहाँ पे ऑक्स लगा करके उससे चेक करके देखता हूँ इसमें कुछ फ़र्क पड़ रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पे ऑक्स केबल कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे ऑक्स वायर ले लिया है, आप देख सकते हो। इसको मैं इसके अंदर अब कनेक्ट करके फिर चेक करता हूँ कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही है। और मैं आपको माइक यहाँ पे ले जा करके सुनाऊँ तो आप देखना। तो दोस्तों, आप देख सकते हो आवाज़ आ रही है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी। तो इसका मतलब हमारी जो इसके अंदर आईसी है वो ठीक है, ब्लूटूथ में ही कोई प्रॉब्लम है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ ऑक्स से यहाँ सॉन्ग प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन ले लेता हूँ, फिर मैं आपको अभी चला करके दिखाता हूँ। फ़ोन देना। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे इस फ़ोन के अंदर आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ ऑक्स को, फिर देखते हैं यहाँ सॉन्ग प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे फ़ोन में लगा लेता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ भी प्ले कर लेता हूँ ओनली चेक करने के लिए कि कुछ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर आवाज़ आ रही है, कोई मैं बेस वाला सॉन्ग प्ले करता हूँ। Thank you.
दोस्तों आप देख सकते हो इसमें आवाज आ रही है। इसका मतलब इसकी जो आईसी है वो ठीक है। तो चलिए अब हमें पता चल गया है इसका ब्लूटूथ खराब है, इसे खोलते हैं हम फिर इसके ब्लूटूथ को रिपेयर। इसमें ब्लूटूथ तो रिपेयर होगा नहीं, तो यहाँ पे मैंने अलग से ब्लूटूथ मेरे पास था तो मैंने यहाँ रख रखा था। तो मैं यहाँ पे ब्लूटूथ, ये देखिए ब्लूटूथ के साथ एक रिमोट आता है, एक ब्लूटूथ आएगा और तीन वायर आएंगे, ठीक है। तो इस ब्लूटूथ को हम लगा करके देखेंगे कि इसके अंदर कोई फ़र्क पड़ रहा है नहीं। तो चलिए मैं इसको बंद करता हूँ, अब यहाँ से पावर सप्लाई हटाता हूँ इसकी और इसे खोल के देखते हैं। पहले तो होम थिएटरों में होती है 20-30 की आईसी, इसके अंदर कौन सी आईसी है वो हम चेक कर लेते हैं अभी यहाँ से इसे हटा करके। तो ये देखिए मैं यहाँ से हटाता हूँ इसे। दोस्तों मैंने यहाँ पे जो भी पेज थे उसको मैंने हटा लिया है और ये हमारा होम थिएटर जो है ऐसे बाहर आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ अलग आईसी लगी हुई है, मैं आपको दिखा पाऊँ। इसके अंदर एक तो 5283 आईसी है जो कि ओनली आवाज़ के लिए है, और बेस के लिए जो आईसी लगी है वो चिप वाली आईसी है। मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता दोस्तों, यहाँ पे लगा हुआ है कुछ वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6283 आईसी लगी है आवाज़ के लिए, और बेस के लिए दूसरी आईसी लगी है वो मुझे पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बेस के लिए जो वॉल्यूम होता है वो यहाँ लगा हुआ है। और चलिए इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बताता। ब्लूटूथ के लिए तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है दोस्तों, ब्लूटूथ वहीं से खुलेगा बाहर से, और यहाँ पे बूफर जो है ये इधर की साइड में लगा हुआ है। तो मैं ब्लूटूथ बाहर की साइड, दोस्तों मैं यहाँ पे ब्लूटूथ को खोल ले रहा हूँ क्योंकि हमें पता चल गया है हमारी आईसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ब्लूटूथ के अंदर दिक्कत है। दोस्तों अगर किट में अगर आपको कुछ समझ नहीं आता, ज़्यादातर दोस्तों होम थिएटर 20-30 की आईसी में ज़्यादातर आईसी ख़राब होती है होम थिएटर के अंदर, और कुछ ख़राब नहीं होता, या फिर ब्लूटूथ ख़राब हो सकता है, कभी आवाज़ की प्रॉब्लम है तो उसमें वॉल्यूम आप एक बार चेक कर सकते हो चेंज करके, और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन सब होम थिएटर में। तो दोस्तों यहाँ पे तो पूरा ये टाइट हो रखा है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक जो वायर है वो होम थिएटर के लिए है, मतलब जो वो हमारा FM होता है उसके लिए निकल रहा है यहाँ से, और दो वायर पावर सप्लाई के लिए है। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको सेम इज जैसे ये लगा हुआ है वैसे मैं इसे भी लगा लेता हूँ। तो मैं इसको पहले यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ इसे हटा दिया, अब मैं अपने ब्लूटूथ को यहाँ पर लगाता हूँ। ये लगता है या नहीं लगता देखते हैं, ऐसा क्यों लग रहा है ये इसमें नहीं लगेगा, नहीं लग जाएगा। तो दोस्तों ये लग गया, अब जो दूसरा वाला है उसे भी हम, ये तो साइड में है इसके बहुत, मुझे यहाँ पे वायर को लग रहा है एडजस्ट कैसे करूँ मैं। हाँ तो ये भी हो गया, लग ही जाएगा इसमें, लेकिन इसमें तीन वायर है इसमें चार है, लगाने की तो कोशिश मैं करता हूँ, देखते हैं लग पाता है नहीं। इधर की साइड में दोस्तों यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैंने यहाँ पे इसको लगा लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो ब्लूटूथ है इसको अभी हम हटा देंगे पूरी तरीके से, लेकिन उससे पहले हम इसे चेक कर लेते हैं कि वाकई में इसका ब्लूटूथ ही ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है। तो मैं इसको पावर सप्लाई देके एक बार चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों इसमें आवाज़ आ रही है आपने सुना होगा, और ये मेरे फ़ोन से शायद कनेक्ट भी हो गया है इसका क्योंकि ब्लूटूथ ऑन था। तो मैं इसको एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ दोस्तों ये इससे कनेक्ट हो गया है, तो मैं एक सॉन्ग प्ले कर लेता हूँ पहले। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसके अंदर बेस कैसे आ रहा है। दोस्तों ये तो हमें पता चल गया इसका ब्लूटूथ खराब था। अब इसके अंदर मैं एक अलग से स्पीकर लगाता हूँ,
एक अलग से स्पीकर लगा के देखता हूँ इसके अंदर वॉइस भी आ रही है नहीं आ रही है, खाली बेस ही आ रहा है। तो मैं जल्दी से स्पीकर ला के एक बार लगा के देखता हूँ। सो दोस्तों, मैं यहाँ पे स्पीकर लेके आया हूँ। इसको मैं इसके पीछे से कैसे भी लगा लेता हूँ, इसमें पिन तो है नहीं, बट फिर भी मैं इसे लगा करके एक बार चला के देख लेता हूँ। दोस्तों, मैंने ये वाला स्पीकर यहाँ पीछे लगा दिया है और मैं आप सॉन्ग प्ले करके देखता हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे इसके अंदर आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो स्पीकर है, जो हमारा ब्लूटूथ है, वही ख़राब था खाली, बाकी इसके अंदर कुछ भी ख़राब नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ी अच्छी बात है कि इसके अंदर कुछ ख़राब नहीं है, ओनली ब्लूटूथ ख़राब है। दूसरा वाला होम थिएटर में देखेंगे उसके अंदर क्या ख़राब है। तो दोस्तों, मैं जल्दी से ये पूरे जो इसका दूसरा वाला ब्लूटूथ है उसे हटा के नया वाला ब्लूटूथ लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाता हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो इसके अंदर दोस्तों ज़्यादा स्पेस नहीं है, वायर ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक वायर सोल्ड कर दिया। ये FM के लिए है, ठीक है। बाकी ये तीन पिन का कनेक्टर है, ये 2 पिन का कनेक्टर है। तो 2 पिन का कनेक्टर हमारी पावर सप्लाई के लिए होगा, तो यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, मैं इसे भी, ये 3 पिन का जो कनेक्टर है, इसे मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद हमारा जो है होम थिएटर हो जाएगा रेडी, ठीक है। दोस्तों, ये हो गया। अब इससे जल्दी से इसके अंदर कैसे भी करके फिक्स कर देते हैं। तो दोस्तों, ये फिक्स हो गया, इसे मैं अच्छे से फिक्स कर लेता हूँ। और दोस्तों, चलिए अब मैं इसको आपको प्ले करके दिखाऊंगा इसे कसने के बाद। दोस्तों, मैं इसे अब यहाँ से पावर सप्लाई दे देता हूँ। ये हमारा ऑन हो गया है और मैं यहाँ से फिर से आपको, ये कनेक्ट भी हो गया और एक बार सॉन्ग प्ले कर ही लेते हैं। दोस्तों, ये ऑन हो गया। दोस्तों, देख सकते हैं ये हमारा होम थिएटर जो है वो रिपेयर हो गया है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा होम थिएटर रिपेयर करेंगे। जब तक के लिए बाय बाय।